14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की बस पर हुए आत्मघाती हमले में 40 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के संजय सिंह भिकम सिंह राजपूत और नितिन शिवाजी राठौड़ इन वीर सपूतों का भी समावेश है। इस हमले के बाद पूरे देश की जनता बदले की भावना पनप रही थी, जो भारत सरकार से ये मांग कर रही थी कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी देश पाकिस्तान से बदला लिया जाए। ये भावना इस हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों की भी थी। आज इस घटना को 13 दिन होने पर बुलढाणा जिले के शहीद जवान राजपूत व राठौड़ के घर 13वीं का कार्यक्रम था। रात में ही भारतीय वायुसेना ने पाक स्थित आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी की थी। इसकी जानकारी शहीद जवानों के परिजनों को मिलने पर अब सब ने समाधान व्यक्त किया है। मैं जय संजय राजपूत, मेरे पिताजी यानी संजय राजपूत 14 फरवरी को हुए पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हो गए। मुझे उन पर गर्व है, लेकिन मुझे और भी गर्व होता अगर आतंकवादी उन पर पीछे से ना होकर सामने से हमला करते और फिर वह शहीद होते। जो पाकिस्तान पे हल्ला किया है अपनी इंडिया की गवर्नमेंट ने, सर ये जो मुझे समझ में आ रहा है, कहीं न्यूज़ में 250 बता रहे, कहीं 300 बता रहे, तो ये जो माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने कार्रवाई की है, तो ये कार्रवाई आज और कल में रुकनी नहीं चाहिए। ये थ्रेट जो है तो पाकिस्तान पूरा खत्म होना चाहिए। जब पाकिस्तान पूरा खत्म हो पाएगा, तभी जो मेरे नितिन भाई के जैसे मेरे 50 भाई शहीद हुए, तभी उनको जो सही अपन श्रद्धांजलि बोलते हैं तो वो अर्पित होंगी। तब तक तो नहीं हो पाएगा सर। जो मोदी साहब ने जो निर्णय लिया, आज आप सुनने में आ रहा कि पाकिस्तान में ऐसा ऐसा हो रहा, 200-300 लोग मरे गए, तो मोदी साहब ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। ऐसा निर्णय लेना चाहिए। और जो थोड़ा सा हमारा दुख तो हल्का हुआ, पर आप जो जिस पाकिस्तान में ऐसे गद्दार लोग है, इनका पूरा सफाया करना, जब तक पूरा सफाया नहीं होता तब तक हमको थोड़ा शांति मिलती नहीं। मेरे भाई शहीद संजय का तेजी का कार्यक्रम था, वहाँ पर आज यहाँ पे न्यूज़ आई सुबह, हमारे मित्र परिवार से रिश्तेदारों से फोन आया कि आज भारत ने इस कार्रवाई का बदला लिया। 300 आतंकवादी जो मारे गए, आतंकवादी के ठिकाने पर हमले किए गए, तो ऐसी कार्रवाई बहुत जरूरी थी। वो शहीदों के बलिदान का बदला भारत सरकार ने लिया है, और ऐसे से आगे ऐसी होने वाली 300 घटनाएं चल गई ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसी कार्रवाई होने से आतंकवादी शक्तियों का विमोड़ होगा और आगे से शांतता के लिए अच्छा कदम होगा।